और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है। आज सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विधायकों ने कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की। इसके साथ ही बेमौसम हुई बरसात से किसानों की क्षति का भी मामला सदन में गूंजा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन में एक आपको बता दें कि कोरोना वायरस का मामला जो है वो उठा। इसके अलावा बारिश, बेमौसम बारिश के कारण जो किसानों की क्षति हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है, ये मामला भी सदन के अंदर गूंजा। सदन में विधायकों ने कई सवाल खड़े किए। तो आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का 9वां दिन है। आज भी कई मुद्दे, अहम मुद्दे उठाए गए। विपक्ष ने सदन में के अंदर कोरोना वायरस का मामला उठाया। इसके अलावा किसानों को बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, फसलों को जो क्षति पहुंची है, उस ये भी मामला सदन के अंदर गूंजता नजर आया। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सदन में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बादी का मुद्दा भी उठा। बीजेपी विधायकों ने कृषि मंत्री से किसानों के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। में फेंक रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, आग्रह करता हूं कि हमारे कृषि मंत्री युवा हैं और बड़ा संजीदगी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आज हमारे प्रदेश के किसानों के लिए चिंता करने की जरूरत है और अविलंब सरकार उच्च स्तरीय कमेटी बना के किसानों को उचित मुआवजा दे ताकि वो आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। इस बारिश में सारा धान, मंत्री महोदय, सारा धान भीग गया। आप किसान का, आप धान भी नहीं खरीद रहे हैं 4 महीना से, और किसान का धान इस बारिश में भीग गया, किसान कहाँ जाएगा अध्यक्ष महोदय? इसलिए हम मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय, पलामू प्रमंडल के सभी किसानों को सहायता मिले, उनको आपदा के तहत भी मुआवजा मिले। आ गया धान जो है अध्यक्ष महोदय, अब आ गया आपका भी जानी चाहिए। हम सब अवगत हैं कि अब दुनिया में लगभग 100 से भी अधिक नहीं, लगभग 150 देशों में ये कोरोना फैल चुका है और WHO है, उन्होंने इसको महामारी घोषित किया है। भारत सरकार ने भी पूरे देश में इसको आपदा घोषित किया है। इसी से हम सब इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं, यह कितना गंभीर है विषय। लेकिन सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए वो दिखता नहीं है और लगता भी नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री यहां आए हैं, हमने शायद अभी नहीं है सदन में, अच्छा ओ है स्वास्थ्य मंत्री, हमने सल से ढके हुए हैं बादल जी के बदले, नहीं हम नहीं देख पाए थे, क्षमा करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, हमने स्वास्थ्य मंत्री का सोशल मीडिया में हमने देखा, एक पत्र वायरल हुआ था और वो पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा, तो उसके लिए तो हम स्वास्थ्य मंत्री को अपनी ओर से बधाई जरूर मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने इस गंभीरता को समझा। लेकिन एक प्रश्न जन्म होता है कि स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, इसे लगता है कि सरकार में शायद समन्वय नहीं है। नहीं तो अच्छा ये होता कि स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से मिल करके बात करते और पूरी तैयारी होता, या फिर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री और पूरा विभाग को बुला करके फिर एक कोई गाइडलाइन जारी करते, तो वो कहीं दिखा नहीं, तो लगा कि शायद कहीं ना कहीं संवादहीनता होगी या गैपिंग होगी या क्या है, ये तो मैं नहीं जान सकता हूं, ये तो दोनों सरकार ही बताएगी। और आज आप देखें किस प्रकार से ये बीमारी बढ़ रहा है, जिस तेजी से, अगर दुनिया का कुछ आंकड़ा भी अगर आप देखते हैं, जो दुनिया के जो विकसित देश जो सो माना जाता है,
अमेरिका है या फ्रांस है, फ्रांस का अगर आप देखें पहला सप्ताह में जहां 12 था वहां चौथा सप्ताह में 4000 से अधिक चला गया। हमने इसलिए कुछ ऐसे उदाहरण दिया जो कि ये सारे विकसित देश है, ईरान वगैरह की भयावह स्थिति है, भारत में भी उस प्रकार की चपेट में नहीं है। भारत सरकार ने तो काफी सावधानी बरती, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि हम कोई गंभीर रूप से लोग बीमार हो या कोई मर जाए हम उसके इंतजार करें, तो ये ठीक नहीं होगी। तब हम व्यवस्था करें तो ये अच्छी बातें नहीं होगी। सदस्य बगोदर से विनोद सिंह जी ने गिरिडीह, हजारीबाग, बाकी का उल्लेख किया, आज भी हम लोग अखबार में पलामू का देखे काफी बड़ी तादाद में बाहर से जो लोग आए मजदूर, उनको उनकी जांच हुई है। हमने भी जानकारी लेने की कुछ कोशिश की कि इस विषय में क्या हो रहा है, तो हमें ये बताया गया जो कुछ जानकारी हमें मिली, इसके लिए हमें जो प्रिकॉशन जो लेना चाहिए, सावधानी जो हमें बरतनी चाहिए और सामाजिक स्तर पर भी जो काम होनी चाहिए, तो भी लगता है यहाँ दिखता नहीं है। जैसे स्टीवन जी ने कुछ बातों को उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह किया, आपदा घोषित किया तो हमें बंद कर देनी चाहिए, तो सिर्फ बंद कर देना ही नहीं है, हमें उस पर सावधानी क्या क्या बरतनी। तो पता चला कि रिम्स में एक तो जांच की वहां कोई लैब नहीं है, भाई राज्य की राजधानी है वहां जांच की कोई लैब नहीं है, कई दिनों से चर्चाएं हो रही है लैब कहां है आपको जमशेदपुर में। मुझे लगता है कि सरकार को इस गंभीरता को देखनी चाहिए, और लैब राजधानी में ही नहीं बल्कि राज्य के जो पांचों प्रमंडल है वहां इसकी स्थापित होनी चाहिए। इस पर सरकार को बतानी चाहिए कि उस पर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक में लगा कि लैब वहां भी है कि नहीं ठीक से ये भी पता नहीं चल रहा है, किसी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है जो हमने जानकारी प्राप्त करने की हमने कोशिश की। तो ये भी सरकार को बतानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि भाई लैब कहां पर है, पांचों प्रमंडल में होगा कि नहीं, राजधानी में कब तक होगी। भारत सरकार की ओर से अखबार में आप सबने देखा कि 56 उन्होंने पूरे देश में लैब स्थापित किया, 56 और करने वाले। तो सरकार को यह भी बतानी चाहिए कि भाई पूरे देश में सरकार कर रही है तो राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है कि नहीं कि झारखंड में भी लैब स्थापित हो ताकि खून की बाकी की जो जांच हो। कल ही हमें पता चला कोई नीदरलैंड से पेशेंट आए थे और उनकी सैंपल ले गई, लेकिन पता नहीं कि फिर उसका हैंडलिंग कैसे होता है, जांच कैसे होता है, ये सारे चीजों के बारे में डिटेल्स सरकार को बतानी चाहिए, क्योंकि ये किस प्रकार से इस राज्य में पूरी तरह से। फिर जांच के भी हमें जितनी सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वहां जो टेस्ट होता है वो कहीं है नहीं व्यवस्था इस समय आज, जो मेरी जानकारी में। तो सरकार मुख्यमंत्री बताएंगे कि भाई उन सारे अस्पतालों में क्या है जांच की व्यवस्था, किस प्रकार की और जांच की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन में, हवाई अड्डे में, हवाई अड्डे में भी जो हमने पता किया वहां भी नहीं है जांच की व्यवस्था, बस स्टैंडों में या जहां भीड़भाड़ इलाका है उस पर किस प्रकार से सरकार उसको भी देखती है। अब तो ये सारे सवालों की जवाब मुख्यमंत्री जी को बतानी चाहिए कि इस पर क्या, और अंत में हम चाहेंगे कि सरकार क्या इसको मेडिकल इमरजेंसी घोषित करने की सोचती है क्या, ये भी उनको बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको पता है कि झारखंड में डॉक्टरों की बहुत कमी है और बहुत से डॉक्टर भागे रहते हैं, छुट्टी में रहते हैं, तो आप मेडिकल इमरजेंसी अगर आप घोषित करते हैं तो ये सारे पाबंदी लगेगी, वो ड्यूटी करेंगे। फिर आपका आदिवासी क्षेत्र में तो और भी कोल्हान हो, संथाल परगना हो, डॉक्टर की निहायत ही कमी है। अब इन सारे कमियों को किस प्रकार से आप पूरी करेंगे और जनता को आप कैसे आश्वस्त करना चाहते हैं, तो हम मंत्री मुख्यमंत्री जी से हम यही चाहेंगे कि आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे तो पूरे राज्य और सदन भी अवगत ये हो, अस्वस्थ हो।